नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। जिंदा तो ठीक है, लेकिन इंदौर के एक अस्पताल में मरीज को सुकून की मौत भी नसीब नहीं हुई। इंदौर के अरविंदो अस्पताल में लाश की अदला बदली का बेहद गंभीर मामला सामने आया है। आपको बता दें, मानवता को शर्मसार करने वाले इस मामले में लापरवाह अस्पताल प्रबंधन ने किसी अन्य व्यक्ति की लाश परिजनों को सौंप डाली। अब अस्पताल प्रबंधन मामले की लीपापोती करने में जुटा है। इधर पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए जांच की बात कही है। इंदौर के अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। एक मरीज के साथ लापरवाही की गई, जहां एक शख्स की लाश को किसी और को सौंप दिया गया, जिसे लाश सौंपी वे लाश लेकर करीब 70 किलोमीटर दूर भी निकल गए। इधर जब लाश के असली हकदार अरविंदो अस्पताल की मर्चुरी पहुंचे तो उन्हें अपने परिजन की लाश नहीं मिली और लाश गायब थी। गुस्साए परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामा होते देख अस्पताल के लापरवाह अफसरों ने खोजबीन शुरू की तो पता चला कि लाश किसी और को देकर रवाना कर दिया गया है। वहीं बड़ी मुश्किल से लाश ले जाने वालों से संपर्क किया गया और उन्हें वापस इंदौर बुलाया गया। दरअसल अरविंदो अस्पताल में दो मरीजों रोहित और गुलाब की लाश मर्चुरी में रखी गई थी। ऐसे में मृतक रोहित की लाश लेने जब परिजन पहुंचे तो उन्हें मर्चुरी के अटेंडेंट द्वारा लापरवाही पूर्वक गुलाब की लाश दे दी गई। परिजन गुलाब को रोहित की लाश समझकर ले भी गए। इधर जब गुलाब के परिजन लाश लेने पहुंचे तो उन्हें गुलाब की लाश मर्चुरी से गायब मिली और अस्पताल ने कहा कि लाश कोई और लेकर गया है। घबराए परिजनों ने तुरंत अस्पताल प्रबंधन से इसकी शिकायत करनी चाहिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश की तो पता चला कि रोहित की लाश की जगह कर्मचारियों ने गुलाब की लाश रोहित के परिजनों को दे दी है। पुलिस ने तुरंत गुलाब की लाश को वापस बुलाकर परिजनों को सौंप दिया।